पीरटांड प्रखंड के पालगंज में पिछले कई दिनों से भव्य मां भगवती महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काशी से आए कथावाचक पुजारी एवं आचार्य दल के साथ गिरिडीह के कई पंडित ब्राह्मण अपना योगदान दे रहे हैं। बताते चले कि पालगंज के राजा स्वर्गीय पारसनाथ सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि पालगंज से लेकर संपूर्ण मधुबन डुमरी क्षेत्र, जहां पारसनाथ रेलवे स्टेशन, मधुबन स्थित पारसनाथ पर्वत आदि कई ऐतिहासिक स्थल इनके राजशाही क्षेत्र में आते थे। बताया जाता है कि पारसनाथ स्टेशन की भूमि राजा पारसनाथ सिंह ने रेलवे को दान स्वरूप दिया था, जिसके उपलक्ष्य पर उनके नाम पर स्टेशन का नाम रखा गया था, जिनके पौत्र राजा काशीनाथ सिंह को विधि विधान से अंतिम राजा के रूप में राजा सिंहासन पर बैठाया गया था। इसके बाद से फिर किसी को भी राजा की गद्दी नहीं मिली और इन्हीं के वंशज पौत्र राजकुमार दीप नारायण सिंह के प्रयास से ये यज्ञ कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राजकुमार दीप नारायण सिंह स्वयं के निजी खर्च व अन्य लोगों के सहयोग से ये महायज्ञ संपन्न कराया जा रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार और अन्य यज्ञ समिति के सदस्यों से पता चला कि यहाँ पालगंज में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो यहाँ के राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। लगभग 450 वर्ष से पुराने बताए गए इतनी पुरानी मंदिरों में रखरखाव की कमी के कारण पालगंज स्थित सभी मंदिरों का फिर से नवीनीकरण कराया गया एवं जिन मंदिरों में देवी देवता के मूर्ति खंडित अवस्था में थे, उनको बदल कर नई मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत फिर से ध्यान स्थापित किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से मां काली और मां दुर्गा के मंदिर में 22 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है, जिसके उपरांत यज्ञ में हवन आदि कर पूर्ण आहुति कर यज्ञ की समाप्ति की जाएगी। आप कहां से आए हैं बाबा जी प्रवचन के लिए? परम पावन भूमि काशी से। और आप यहां पे कितने दिनों से प्रवचन कर रहे हैं? आज 10वां दिन। आज 10वां दिन। और क्या है यहाँ, कैसा लग रहा है यज्ञ करके? यहाँ की भूमि जो है ना, वाराणसी के सन्निकट जो विंध्यवासिनी भगवती है, अर्थात मिर्जापुर का क्षेत्र, जैसे पाषाणों से परिपूर्ण है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी प्रतीति हो रही है। प्रतीति ही नहीं, वरन प्रीति पूर्वक यह स्वीकारणीय है कि प्रकृति की अपूर्व आभा एवं छटा यहाँ उद्भासित है। जी, इस यज्ञ के बारे में बताएंगे? ये हमारे राजा साहब हैं, राजा दीप नारायण सिंह जी। ये काली मंडा, देव मंडा और दुर्गा मंडा इन्हीं का पूर्वज का बनाया हुआ है। लगभग 450 साल पुराना मंदिर है। ये श्री श्री 1008 श्रीमद्देवी भागवत महायज्ञ जो हम करा रहे हैं, क्या है, देवी जी का मंदिर था, टूट गई थी, वो भी चेंज प्राण प्रतिष्ठा किए। दुर्गा मंडप जो है जीर्णोद्धार करवा के बहुत बड़ा बनवाए, तो उन प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ये श्रीमद्देवी भागवत महायज्ञ हम लोग कर रहे हैं। इसमें राजा साहब का पूर्ण योगदान है और पूरे ग्रामवासी को, पूरे क्षेत्रवासी का सबका योगदान से ही ये महायज्ञ किया जा रहा है। केदार सिंह जी, राजा दीप नारायण सिंह, और यहाँ जो शरबत पानी का जो व्यवस्था 13 तारीख से जो चालू है, दिलीप सुरंकार की तरफ से लाया जा रहा है। बाकी बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अपने वहाँ पे श्रमदान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। ये यज्ञ अभी कितना दिन तक चलेगा? ये 12 तारीख को जल जाता था, 13 से कथा चालू है और 22 तारीख को ये पूर्ण होती है। अच्छा, और हवन वगैरह कब होना है? 22 तारीख को पूर्ण होती है। हवन है, भंडारा है, प्रसाद भोग 22 तारीख को। आप बताएं इस यज्ञ के बारे में, आप क्या बताना चाह रहे हैं? मानव कल्याण के लिए यज्ञ करवाए हैं। जी बोलिए। मेरा नाम काशीनाथ उपाध्याय है। मैं इस दुर्गा मंडप का आचार्य हूँ और 500 वर्षों से मैं यहाँ आचार्यत्व का काम कर रहा हूँ। इस बीच में दुर्गा मंडप एवं अन्य मंडप जीर्णावस्था में रहने कारण से सबका जीर्णोद्धार कराया गया
और दुर्गा मंडल का नवनिर्माण कराया गया। उसी के उपलक्ष में यह महायज्ञ श्री श्री 1008 श्रीमद देवी भागवत महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह अभी आप देख रहे हैं, यह उसी क्रम में है। आज यज्ञ का 9वां दिन है और जो है कल यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। इस तरह से संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु हम लोग इस यज्ञ का अनुष्ठान किए हुए हैं और यहाँ पर अयोध्या से बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान जिसमें के प्रवचनकर्ता पंडित नरहर दास जी महाराज हैं, उनके मुख से श्रीमद देवी भागवती कथा निरंतर आज 8 दिनों से चल रही है। आज 9वें दिन उनकी कथा की समाप्ति है। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, आप सबको, आपके मोबाइल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोक कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हों।